नमस्कार, मैं जितेंद्र गुप्ता स्टार सवेरा न्यूज़ की तरफ से आज हम मौजूद हैं मालवीय नगर के सफदरजंग इंक्लेव में। हमारे बीच भावना जैन जी से सीधी बात करेंगे। भावना जैन जी, आपका स्वागत है स्टार सवेरा न्यूज़ में। नमस्कार भावना जैन जी, आपका क्या योगदान है समाज में? जब से आप जुड़ी हैं समाज में, लगभग कितने वर्षों से आप जुड़ी हैं? मेरे को 3 वर्ष हो गए। ओके, और किस तरह का योगदान आपका रहता है? मैं, मेरा जो मेन है वो शिक्षा के ऊपर है। शिक्षा के ऊपर? ओके। शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर जो भी क्षेत्र में समस्या होती हैं, तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि उसमें मैं कुछ अपना योगदान दे सकूँ और समस्या को दूर कर सकूँ। अच्छा मैम, आपके आदर्श कौन रहे जो आपको सब चीज़ की शिक्षा मिली कि मेरे को समाज के लिए कुछ करना चाहिए? वैसे तो मुझे अपने पेरेंट्स, मम्मी पापा से मिली है इन सब चीज़ों की, और उसके बाद मुझे मेरे हस्बैंड का सपोर्ट मिला, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। वो तो नहीं है मेरे साथ, बट उनकी जो गाइडेंस और सपोर्ट रहा है ना, वो मेरे साथ है आज भी। और यहाँ जब से मैं दिल्ली सरकार में इधर जुड़ी हूँ, तो सोमनाथ भारती जी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। जी, हर चीज़ का मुझे ज्ञान नहीं था इस विषय में, तो भारती जी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। तो मैम, ये आम आदमी पार्टी के लगभग 5 साल होने हो गए, 5 साल पिछले, हाँ, और इस बार जनता ने दोबारा उनको 5 साल दिए, तो कैसा आपको लगता है दिल्ली में किस तरह का परिवर्तन देखा गया अब तक? काफ़ी परिवर्तन आया है दिल्ली में, इसीलिए आप देखेंगे हम फिर भी 62 सीट्स लिया है। लानी तो हमें पूरी थी, बट किसी वजह वो रह गई है, अब उसको भी दूर किया जाएगा, क्या कमी रही है। अच्छा जैन जी, बताएंगे मैम कब से आपको लगता है दिल्ली में किस किस तरह का परिवर्तन हुआ, आने वाला कैसा प्लान रहेगा? अब शिक्षा में देखिए ना, सबसे ज़्यादा तो शिक्षा में हुआ है बदलाव, जिसको जनता ने भरपूर सपोर्ट किया, और उसी की वजह से आज हम दिल्ली में सरकार बना पाए। मैम, जैसे आने वाले गारंटी कार्ड में 10 वादे हैं, क्या लगता है इस बार 10 वादे पूरे कितने कैसे होंगे? पूरे करेंगे, जब केजरीवाल जी ने पिछले टर्न उसमें किया है अपने, तो आगे भी हमें पूरी उम्मीद है कि 10 तो उन्होंने गारंटी कार्ड दिए, वो उनसे एक्स्ट्रा ही करेंगे। और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर वो ज़्यादा हैं प्रेफरेंस, हमारी विधानसभा में भी भारतीय जी का यही है और केजरीवाल जी का भी, पूरी दिल्ली को। अच्छा भावना जैन जी, आपसे क्वेश्चन हो रहा है, जैसे आप CTI से भी जुड़ी हुई हैं और आंगनवाड़ी से भी, तो किस तरह का आपका योगदान है? आंगनवाड़ी में वहाँ पे बहुत ही गरीब बच्चे आते हैं, तो उनके पास जाकर हम देखते हैं कि उन्हें किसी भी चीज़ की दिक्कतें ना हो, उन्हें प्रॉपर टाइम पर सारी चीज़ें मिलें, तो यही हमारा वो रहता है। और नहीं होता है तो हम खुद अरेंज करते हैं, कई बार मैं खुद ही जाकर दे देती हूँ उन बच्चों को। अच्छा मैम, आप एक बिजनेसमैन भी, आप एक व्यापार भी चला रही हैं और आप एक घरेलू हाउसवाइफ भी हैं, तो कैसे आप समाज में अपना समय दे पाती हैं? देखिए, मन में अगर लगन हो तो टाइम निकल जाता है, तो मैं वो टाइम निकाल लेती हूँ। मेरे मन में अंदर से कहीं थी कि मैं, मुझे समाज में अपना थोड़ा सा योगदान देना है, तो उसके लिए मैं निकाल लेती हूँ कुछ। मेरा बेटा और मेरा स्टाफ मुझे बहुत कोऑपरेट करते हैं। अच्छा मैम, आपके दिल्ली के अध्यक्ष हैं ब्रजेश गोयल जी ट्रेड विंग की, तो क्या ऐसा आपको लगता है कुछ आपका क्या योगदान है ट्रेड विंग को लेकर? अभी तो फिलहाल मैं सीख रही हूँ, बाकी मेरे ट्रेड विंग में मेरे गुरु ब्रजेश गोयल जी है, मैं उन्हीं की कार्यशैली से प्रभावित होकर जुड़ी हूँ CTI से। अच्छा मालवीय नगर से मैम आपके विधायक हैं सोमनाथ जी, कैसा कार्य चल रहा है इनका क्षेत्र में? बहुत अच्छा, वो 24 आवर अवेलेबल रहते हैं जनता के लिए, कोई रात के 2 बजे भी उनको अगर कॉल करता है, मैसेज करता है, तो उनका तुरंत जवाब आता है किसी भी वक्त। और उन्होंने अपने पहला प्रयोग किया है कि अपनी विधानसभा में उन्होंने मोहल्ला ग्रुप्स बनाए हैं। ओके ओके। हर एरिया वाइज 35 ग्रुप मोहल्ला ग्रुप्स बनाए हुए हैं उन्होंने, उसमें जो भी समय वहीं के जो निवासी हैं उनको जोड़ा गया है, और जो भी समस्या है सीवर, पानी, लाइट, MCT के भी जो भी काम है वो सब भी वो सॉल्व कराते हैं, उनका योगदान रहता है। हाँ जी भावना जैन जी, हम आपसे एक क्वेश्चन और करना चाहते हैं, जैसे आपके दुर्गेश पाठक जी नगर निगम के प्रभारी बनाए गए हैं, इनके नेतृत्व में कैसा आने वाला निगम में क्या रुझान देखने को मिल सकता है? देखिए, सबसे पहले तो दुर्गेश पाठक जी को इस पद के लिए बहुत बहुत बधाई हो। बाकी जब कोई कार्यभार किसी युवा को दिया जाता है, तो वो अपनी नई सोच और कार्यशैली को लाता है और नई दिशा में ले जाता है, नई सोच के साथ नई दिशा में लेकर जाता है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि दुर्गेश जी बहुत अच्छे मार्जिन से हमें जिताएंगे, बहुत अच्छे डिसीजन लेंगे वो, और काबिल लोगों को आगे लाएंगे निगम पार्षद की सीट के लिए। अच्छा जब मैम आपको CTI द्वारा 2019 में सितंबर के महीने में आपको जो सम्मानित दिया, तो आप काफ़ी उत्साहित थी उस समय, तो कैसा लगा आपको उस समय? उस समय एक लगा कि हम
मैं भी कुछ हूँ अवार्ड मिलने वाला 2019 के सितंबर में मुझे CTI द्वारा महिला नवरत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था, जिसमें स्वयं हमारे CM केजरीवाल जी और MDH के माशे गुलाटी जी उन्होंने ये अवार्ड दिया था। अच्छा मैम, ये बताएंगे आप जो समाज सेवा कर रहे हैं, लगभग किन किन संस्थाओं से जुड़ के समाज की आप सेवा कर रहे हैं? मैं बताना चाहूँगी, मेरा नाम पूजा नरूला है, मैं GK विधानसभा 50 से महिला प्रेसिडेंट हूँ, मैं सौरभ जी के साथ काम करती हूँ, और सेकेंडली मैं CTI कोर टीम की भी मेम्बर हूँ। मैं ब्रिजेश जी का बड़ा धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि हम वुमेन एम्पावरमेंट पे उनके साथ काम कर पाएँ, तो हमारा बहुत सौभाग्य है कि हम उस टीम के मेंबर हैं। और थर्डली मैं एक मेरी सखी करके NGO रन कर रही हूँ, जिसमें हम वुमेन एम्पावरमेंट पे ही काम कर रहे हैं, चाहे वो वुमेन, चाहे वो 2 साल की बच्ची हो या फिर 90 साल की हमारी आंटी हो, हम सबके लिए वुमेन्स के लिए काम कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो अंडर प्रिविलेज गर्ल्स हैं, जो रैन बसेरा से बिलोंग करती हैं, बैगर फैमिलीज के साथ बिलोंग करती हैं, या फिर कह लीजिए रोड साइड में बैठी होती हैं, तो हम उनकी एजुकेशन पे, उनकी पर्सनालिटी ग्रूमिंग पे, इन सब पे हम लोग वर्क कर रहे हैं, और हम ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। और संस्था को ऐसा भी नहीं है कि हमने बहुत सारे लोगों को जोड़ रखा है, बट बहुत सारी महिलाओं को हमने अपने साथ जोड़ रखा है जो मिलजुल कर एक दूसरे का समर्थन करती हैं। ठीक है जी। और हम लोग क्या करते हैं, सेकेंडली हम लोग वुमेन, जो वर्किंग वुमेन है और जो स्कूल गोइंग गर्ल्स हैं, उनकी सिक्योरिटी को लेके बहुत सारे प्लान्स कर रहे हैं, जिनके रिगार्डिंग हम लोग बहुत जल्दी स्वाति मालीवाल जी के साथ भी मिलने वाले हैं। और फिर थर्डली हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारी बुज़ुर्ग आंटियाँ हैं, जिनको उनके बच्चे बाहर निकाल देते हैं घर से और ओल्ड एज होम में रहती हैं, हम रेगुलरली उनको विज़िट करते हैं, ताकि उनको कहीं पैसा उतना नहीं होता, बट चलिए कहीं हम अपना उनको टाइम दे रहे हैं, तो उनको कहीं हमसे प्यार हो गया तो उनको जीवन की वो जो थोड़ी कमी थी वो पूरी हम उनकी करने की कोशिश करते हैं। तो मैम, आपको जो इस सब चीज़ का आपको ज्ञान मिला, आपके आदर्श कौन रहे? मेरे आदर्श तो मेरे सौरभ भारद्वाज सर जो हैं, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है जब से मैंने पार्टी ज्वाइन करी है। मैं आपको एक बात बताऊं, एक जो नेता होता है ना, उसकी कुछ छवि ऐसी होती है कि नेता ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, पर जब से हम सौरभ जी को मिले हैं, हमें वो अपने भाइयों की तरह लगते हैं। हमें उनसे एक ऑनेस्टी सीखने को मिली है, डेडिकेशन सीखने को मिली है, जो वो हमेशा अपने काम में दिखाते हैं। तो वहाँ से मतलब आप कह लीजिए कि हमारे मेंटर वही हैं, हमने उनकी छत्र छाया में रह के जितना भी सर को हमने काम करते देखा है, इतनी ऑनेस्टी, डेडिकेशन और हार्डवर्क के साथ सेम हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। मैम, जैसे आज हम मौजूद हैं ग्रेटर कैलाश विधानसभा में, आपके यहाँ के जो विधायक हैं सौरभ भारद्वाज जी, क्या क्या वर्क किया क्षेत्र के लिए? सर, उन्होंने तो मेरे ख्याल से कोई कमी ही नहीं छोड़ी जहाँ तक हमें पता है, क्योंकि अगर हम लोग जैसे अपने ग्रुप्स बने हुए हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, बीइंग अ महिला तो हम लोग रात को 8-7 बजे के बाद नहीं उनको काम में हेल्प कर पाते थे, पर हमने उनके अपडेशन सुबह के 3-3 बजे तक देखे हैं कि वो सीवर्स पे काम कर रहे हैं, पार्कों पे काम कर रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक्स पे काम कर रहे हैं, स्कूलों पे काम कर रहे हैं, मतलब आप सड़कों पे काम इतने हो रहे हैं, इतनी सड़कें हमारे खुद के एरियाज़ की इतनी अच्छी सड़कें बन गई हैं। मतलब सौरभ जी को तो रियली में वो हमारे सबसे प्रिय नेता हैं यहाँ के, कि उनको कोई भी आप काम कह दो वो इजी टू असेसिएबल है, कि आप उनको आराम से मिल सकते हो, उनसे बात कर सकते हो, बुजुर्गों की पेंशन की चाहे रिक्वेस्ट हो, चाहे तीर्थ स्थान पे लेके जाना हो। सर ने मतलब कहीं पे भी इस पूरे 5 ईयर में कसर नहीं छोड़ी हमारे साथ। मैम, दिल्ली के अध्यक्ष हैं आपकी ब्रजेश गोयल जी ट्रेड विंग की, आप उसके एक मेंबर हैं CTI की, तो किस तरह बदखूबी से वो अपना कार्य निभा रहे हैं और ट्रेड विंग के लिए अब तक क्या क्या ऐसा कदम उठाया है? जी, ब्रजेश गोयल जी के साथ भी हम काम कर रहे हैं, तो जो एक मैच्योरिटी सर के साथ हमें नज़र आई है, हर चीज़ को बड़ी संजीदगी से करना, बहुत सीरियसली करना, उनके डिसीजंस में वो पावर होती है कि पता चलता है कि हम एक काबिल इंसान के साथ है। ट्रेड विंग को उन्होंने काफ़ी नए लोगों को जोड़ा है और काफ़ी नई पॉलिसीज लेके आए हैं। इवन पीछे सीलिंग का भी अगर हम मुद्दा लें तो उसमें ब्रजेश जी का बहुत एक्टिव रोल रहा है उसका उसमें, और CTI वुमेन विंग में तो सर ने बहुत हमें सपोर्ट किया है। हमारा छोटे से छोटा मतलब भी हमें कभी प्रॉब्लम, हम कहीं अटक जाते हैं तो हमारा पहला कॉल सर को ही जाता है, सर अब क्या करना है, और उनकी राय हमेशा एक सराहनीय राय होती है जो हमें मिलती है उनसे। नमस्कार, मेरा नाम तरनजोत कौर है, मैं मेरी सखी NGO के साथ जुड़ी हुई हूँ, मेरी पोस्ट उसमें जनरल सेक्रेटरी की है।
हम लोग इस एनजीओ के थ्रू रैन बसेरा की जो महिलाएं हैं और अन्य महिलाओं को जोड़ते हुए अपने साथ काम कर रहे हैं। रैन बसेरा की अगर मैं बात करूं तो हम लोग वहाँ पे समर कैंप्स भी लगाते हैं उन गरीब बच्चों के लिए जो अच्छी अच्छी चीज़ें फैसिलिटीज़ नहीं अवेल कर पाते हैं। हम लोग एवरी ईयर, ये हमने लास्ट ईयर से स्टार्ट किया था और इस ईयर भी हम लोग करेंगे। ये सारी अपडेट्स हमारे फेसबुक के पेज ग्रुप पे भी आती हैं जिसको आप फॉलो भी कर सकते हैं, मेरी सखी के नाम से है। हम लोग एवरी वीक वहाँ जाते हैं, जून और जुलाई का मंथ वहाँ पे देते हैं जिसमें हम लोग एक डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो हम अपने सेंटर में भी करते हैं बच्चों के साथ या हम अपने बच्चों को जहाँ भेजते हैं समर कैंप्स के लिए वही फैसिलिटीज़ हम उन गरीब बच्चों को भी देते हैं ताकि वो इससे वंचित ना रह सकें। और हम लोगों ने अराउंड 250 लेडीज़ का ग्रुप जोड़ा हुआ है अपने साथ जो हम लोग इन्हीं महिलाओं के लिए वर्क करते हैं, इन सब के लिए। और हम लोग सौरभ जी की अगर बात करें, जो अभी बात करी थी हमने, जो हमारे MLA हैं यहाँ जीके के, उनका बहुत सपोर्ट है हमें इसके लिए। नमस्कार, मेरा नाम अन्नू बावा है, मैं मेरी सखी NGO से हूँ और हम लोग अभी लास्ट टाइम, मतलब हम ओल्ड एज होम में भी काफ़ी विजिट करते हैं। अभी लास्ट वीक हम ओल्ड एज होम गए थे जहाँ पे हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। लेकिन मेरा एक मैसेज है, जो लोग, मतलब जो बच्चे अपने मम्मी पापा को इधर मंदिर ले जाने के बहाने वहीं छोड़कर आ जाते हैं, तो मेरा ये मैसेज है प्लीज़ वो ना करें। और आप लोगों से भी मेरा ये है कि आप लोग हमें भी, हमारे साथ जुड़कर उन लोगों के लिए कुछ करें, कुछ अच्छा करने करें और हम से जुड़ें। धन्यवाद। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।